अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं इंक्वायरी टुडे और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन, मैं हर दफ़ा बात करता हूँ टूरिज़्म की कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म जो है पिछले 2 सालों से लगातार जो है वो ठप पड़ा हुआ है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है और जगाने की कोशिश की थी, जागा भी था, लेकिन जब हम TRC के अंदर गए तो उसके अंदर के विजुअल्स देख के हम जो है बड़े हैरान रह गए। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन के लिए आता भी होगा तो वो क्या देखेगा यहाँ पे? जो विजुअल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से ज़रा उस विजुअल्स को। जैसे कि आपने अभी ये विजुअल देखे, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर के विजुअल थे और इसके साथ साथ जो है आपको एक और विजुअल दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर के हैं, जहाँ की पार्किंग है। ये पार्किंग अड्डा एक ऐसा अड्डा है जैसे कि कोई टैक्सी स्टैंड है, उस तरह का ये पार्किंग जो है, ये पार्किंग लॉट बनाया गया है। अगर सारे अधिकारी वहाँ पर हैं, अगर डायरेक्टर साहब वहाँ पर हैं, तो क्यों TRC को जो है अभी तक उसके गेट को जो है वो ताला मार के रखा गया है? कसूर किसका है? क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट का? क्या वहां पे बैठे हुए उन कुर्सी के ऊपर उन गदावर ऑफिसर्स का? पता होने के बावजूद भी कि जम्मू कश्मीर का आधे से ज्यादा जो बिजनेस है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बावजूद जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की हालत देखें, अभी जो मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा उसमें ये हालत देखें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर का जो बोर्ड है वो भी इनका खुद का लगाया हुआ बोर्ड नहीं है। वहाँ पर भी एक HDFC बैंक है, उनके द्वारा वो बोर्ड लगाया गया है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है? काफ़ी कोशिश करता हूं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट गहरी नींद से जाग जाए, लेकिन देखा यह गया है अभी तक कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो गहरी नींद से नहीं जाग रहा है। शायद उनको अपनी जो पे है वो मिल रही है, लेकिन आम जनता के दुख दर्द वो समझ नहीं पा रहे। आप पहले जैसे आपने अभी ये विजुअल्स देखे, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर के विजुअल थे जो पार्किंग लॉट के और उस बोर्ड के विजुअल थे जो कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था। अब इसमें मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि इसमें कसूर किसका है? क्या डायरेक्टर साहब का, क्या जॉइंट डायरेक्टर साहब का, या जो उनसे नीचे जो कुर्सियों पर बैठे हैं, या उनका? एक तरफ हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, माना कि कोविड चल रहा है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत आप ऑफिसेज को रन कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल के तहत अगर इंसान, एक शख्स ने अगर दोनों वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेटेड है, तो आप उसको कहीं पे भी जाने से रोक नहीं सकते। ये एक प्रोटोकॉल है। अगर वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, वो किसी बात की इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा, किसी टूरिस्ट स्पॉट की जानकारी लेने के लिए आएगा, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, अंदर तो पार्किंग लॉट बना हुआ है। जो डायरेक्टर टूरिज्म का बोर्ड है वो HDFC द्वारा दिया गया बोर्ड है। अगर प्राइवेट कंपनियों ने ही सब कुछ करना है तो गवर्नमेंट किस नाम? आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसी तरह से बने रहे इंक्वायरी टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।